हेलो टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली एफ से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। जो आज वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है क्लिपिंग हेयर पैच को जो हम पेस्ट करते हैं, जब लगाते हैं, लगाने के बाद में हमें किस तरीके से कौन का इस्तेमाल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सर को आगे टेप लगा रखा है। टेप लगाने के बाद में ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दोनों क्लिपिंग हमने इस तरीके से ऐड करना है। पीछे का क्लिपिंग आपने ऐड कर लेना है। अब क्या होता है कि जो टेपिंग होता है और जो क्लिपिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा क्लिपिंग हेयर पैच होता है वो काफ़ी लूज होता है। इसके अंदर देखिए फिंगर भी जा रही है हमारी, आराम से फिंगर भी जा रही है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तीन ही जगह सिर्फ क्लिप लगे होते हैं। तो इसमें कॉम करने में हमें प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि हम जब कॉम करते हैं तो हमारे बाल बहुत जोर से खींचते हैं, जिसमें हमें पेन होता है। तो पेन ना हो हमारे को किस तरह से कॉम यूज करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, आप सबसे पहले तो अपने जब भी आप कॉम चलाएं तो सबसे पहले पीछे इस तरीके से फिंगर को आपको थोड़ा सा रखना है, हल्का सा प्रेशर देना है और नॉर्मली सारे बालों को आपने इस तरीके से आगे कर लेने हैं, ठीक है। जब आप पीछे कॉम चलाएंगे बैक साइड में तो आपको पीछे की साइड के अंदर आगे हल्का सा आपने फिंगर से पकड़ लेना है प्रेशर देके और आपने पीछे कॉम चलाना है। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो साइड पार्टीशन निकालते हैं, तो साइड पार्टीशन का क्या होता है, जब हम साइड पार्टीशन इस तरीके से निकालते हैं तो साइड पार्टीशन निकालने में क्या प्रॉब्लम आती है कि पैच पूरा हिलता है। पूरा पैच क्या है कि आपका हिलेगा, तो हिले ना हो। अगर वो हिलेगा तो क्या होता है, कॉम चलाते हुए हमारे बालों को वो खींचता है जिससे हमें पेन होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। कभी हमें साइड पार्टीशन चलाना है तो हमने हमेशा ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे हाथ लगाने के बाद में हमने कॉम चलाना है, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर से हो, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, बट जब भी हमें कॉम चलाना है तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा प्रेशर देना है इस तरीके से और हमने फिर कॉम चलाना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पैच है वो एकदम डिसबैलेंस नहीं होगा, अपनी जगह से वो हिलेगा नहीं। और अगर वो हिलता है तो क्या होता है कि क्लिपिंग वो बालों को खींचता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये क्लिपिंग है। अगर हम इसके अंदर प्रेशर देंगे तो ये खींचेगा, तो खींचने से क्या होता है कि आपके बालों पे काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको कभी भी अगर कॉम चलाना है क्लिपिंग हेयर पैच के अंदर तो कैसे चलाना है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको साइड पार्टीशन निकालना है या बैक साइड पार्टीशन निकालना है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा फिंगर्स का प्रेशर रखना होगा, उसके बाद में आपको कॉम यूज़ करना होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी तरीके से कोई कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए लिख के साथ। ओके, बाय बाय।